नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। गंगा के पार रहने वाले बिहार वासियों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार गंगा नदी पर हर 40 किलोमीटर पर एक पुल बनाने की योजना के साथ काम कर रही है, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच का सफर अब और ज्यादा आसान होने वाला है। सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार साल 2025 तक बिहार सरकार की यह योजना अपना रंग दिखाने लगेगी, जिससे कि उत्तर और दक्षिण बिहार आने जाने वाले लोग कम समय में अपनी दूरी तय कर लेंगे। वर्तमान समय की बात करें तो बिहार में गंगा नदी पर 4 पुराने पुल मौजूद है, जिसको मिलाकर 10 लेन के आवागमन की सुविधा उपलब्ध थी। अब एक नया पुल 2 लेन का जेपी सेतु पर बन चुका है और 14 नए पुलों को बनाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। वहीं साल 2025 तक राज्य की गंगा नदी पर नए और पुराने मिलाकर कुल 62 लेन के 19 पुल हो जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार जिले में राज्य को छोड़ती है। इस पूरे क्रम में गंगा राज्य में करीब 526 किलोमीटर का सफर तय करती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गंगा नदी बिहार को 2 भाग में बांटने का काम भी करती है, जिसमें उत्तर और दक्षिणी भाग शामिल है। ऐसे में एक बड़ी आबादी गंगा नदी पर बने पुल को यातायात के लिए इस्तेमाल करती है। ऐसे में अगर प्रत्येक 40 किलोमीटर पर पुल का निर्माण हो जाता है तो बिहार वासियों को यातायात काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही सालों से लोगों से सफर की दुश्मन बनी जाम से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। वर्तमान समय की बात करें तो गंगा नदी पर फिलहाल 14 नए पुल का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 6 पुल पीएम पैकेज के तहत ही आते हैं। इन्हें बनाने के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी थी। सरकारी सूत्रों की माने तो निर्माणाधीन सभी 14 पुलों में से 7 पुलों का निर्माण साल 2024 तक होने की संभावना है। बाकी बचे 7 पुल का निर्माण साल 2025 तक कर लिया जाएगा। बेशक बिहार सरकार के बिहार में सड़कों का जाल बिछाने के उद्देश्य से किए जा रहे काम से बिहार वासियों को जाम से निजात तो मिलेगी ही, साथ ही बिहार वासियों की यात्रा भी सुगम होगी। इतना ही नहीं, रोजगार के अवसर भी नए नए पैदा होंगे, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में अगर सरकार इन नीतियों को लाती है तो रोजगार के अवसर बिहार में पैदा होंगे और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। साथ ही पर्यटन और उद्योग की संभावनाओं को भी खूब बल मिलेगा। बिहार सरकार की यही मंशा है कि बिहार में आने वाले समय में पर्यटकों को ज्यादा आकर्षित किया जाए, ताकि पर्यटन के उद्देश्य से बिहार एक विकसित राज्य के रूप में उभर कर निकले। बिहार आने वाले समय में वैसे ही उद्योग की तरफ भी अग्रसर होकर बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत रोड कनेक्टिविटी के बेहतर होने से बिहार का विकास होगा। इसके साथ ही बिहार में सरकार नेशनल हाईवे का भी निर्माण कर रही है, जिससे कि बिहार वासियों को बहुत राहत मिलेगी और आवागमन भी सुलभ होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।